हर युवाओं का सपना होता है कि उनके चेहरे पर भी काफ़ी घनी दाढ़ी मूछ आए, क्योंकि घनी दाढ़ी मूछ आने पर आपके चेहरे काफ़ी गोल मटोल लगते हैं, चेहरे पर खूबसूरती बढ़ाने का काम करता है घनी दाढ़ी मूछ। दोस्तों बहुत से लड़के होते हैं जो चाहते हैं कि उनके चेहरे पर घनी दाढ़ी मूछ आ जाए, लेकिन अथक प्रयास करने के बाद भी बहुत सारे मेडिकल में मिलने वाले क्रीमों का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे दवा का प्रयोग करते हैं, यहाँ तक कि टेबलेट और कैप्सूल भी खाने लगते हैं, लेकिन चेहरे पर घनी दाढ़ी मूछ नहीं आते। आपको परेशान नहीं होना है, सिंपल से घरेलू नुस्खे बताऊंगा जिसके मदद से आपके चेहरे पर घनी दाढ़ी मूछ आ जाएंगे। और जो आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं नुस्खे, यही नुस्खे आपको तैयार करना है, ये तेल आपको तैयार करना है, और बिल्कुल इसमें आपको बहुत ही 100 रुपये से लेकर के 150 रुपये खर्चे आएंगे, ज़्यादा खर्चे नहीं आएंगे, और इतने दवा आप बना लेते हो तो कम से कम 3 महीना चला जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, घनी दाढ़ी मूछ उगाने के लिए आपने बहुत सारा पैसा लगा लिया तो आपको परेशान नहीं होना, केवल एक बार मेरे वीडियो में बताया जा रहा है नुस्खे का प्रयोग करके देखें, आपके चेहरे पर घनी दाढ़ी मूछ आ जाएंगे। तो वैसे तो आपको YouTube में बहुत सारे नुस्खे बताए होंगे, बहुत सारे लोग जो होते हैं तरह तरह के नुस्खे बताते हैं, लेकिन दोस्तों इससे आपको किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिलने वाले। तो बेसिकली यहाँ पे आपको नुस्खे बनाने के लिए क्या करना है, इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के आखिरी तक के पूरा देखना है, और जितने भी मैं आप लोगों को टिप्स बता रहा हूँ टिप्स को फॉलो करना है। तो आपको इस नुस्खे को तैयार करने के लिए, तेल बनाने के लिए, घनी दाढ़ी मूछ उगाने के लिए अरंडी का तेल लेना है, दूसरा जैतून का तेल लेना है। इस प्रकार से देखिए, जैतून का तेल और ये लेना है अरंडी का तेल। अरंडी का तेल जो होता है दोस्तों, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है, साथ ही साथ अगर आपके हेयर ग्रोथ रुक चुका है, पीच पीच करके दाढ़ी आ रही है, मतलब किसी हिस्से पर दाढ़ी आते हैं किसी भी हिस्से पर दाढ़ी नहीं आते, तो यह उगाने का काम करता है अरंडी का तेल। जैतून का तेल क्या करता है, आपके दाढ़ी को बढ़ाने का काम करता है और बाल को मोटा बनाने का काम करता है। तो अरंडी का तेल और जैतून के तेल दोनों को आपको मिला लेना है, इतना देखिए कटोरी में इतना डाल करके रख लेना है, और इसे 15 मिनट तक मध्यम गर्म आंच पे उबालना है। इसके बाद गुनगुने करने के बाद आपको अपने घनी दाढ़ी मूछ पर इसे अप्लाई करना है, अच्छी तरह से मसाज करते हुए 10 से 15 मिनट तक सर्कल आकार में आपको मसाज करना है, और ठंडे साफ पानी से सुबह आपको धोना है, ठीक है, लगा करके रात भर आपको रखना है, सुबह ठंडे साफ पानी से धोना है। तो केवल इस नुस्खे के 1 महीने के प्रयोग से, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 1 ही महीने के प्रयोग से आपके चेहरे पर घनी दाढ़ी मूछ आ जाएंगे। अगर आप केवल ये अरंडी का तेल लगाते हैं तो आपको अरंडी के तेल से कोई अच्छा फायदा नहीं मिलने वाले, अगर अरंडी के तेल में आप जैतून का तेल मिला करके लगाते हैं तो तेज़ी से घनी दाढ़ी मूछ ये उगाने का काम करता है। बियर्डो ग्रो ऑयल, बहुत सारे जो दवा आते हैं मार्केट में, इसका प्रयोग ना करें, हमने बहुत से लोगों को ये प्रयोग करा के देख चुके हैं, चेहरे पर अच्छी तरह से घनी दाढ़ी मूछ आ जाते हैं, और फ्री का घरेलू नुस्खे, किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, केवल सही तरीके से रात में अच्छे साफ पानी से आपको अपने चेहरे को धोना है, वॉश करना है, और अपने चेहरे पर आपको इसे लगा करके रात भर छोड़ना है, चेहरे पर घनी दाढ़ी मूछ आ जाएंगे। तो ये थे आज के छोटी सी जानकारी, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में आगे जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल पाए। वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।